अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ज़ियारा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। सो जी है कल का क्लिप और सुबह के वजह से 9 और मैं सुबह चली गई थी छत पे बारिश देखने के लिए, और फिर नीचे आकर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। सो जी मैंने कल नाश्ता बनाया था, सिंपल सा ब्रेकफास्ट था, और मैं कल का व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर लाइट बहुत जाती है बारिश की वजह से, नेट भी नहीं होता, इसी वजह से मैं कल का व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो सोचा आज के व्लॉग के साथ आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। सो जी यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पर सबके लिए बना रही थी मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। सो जी मिल्क शेक पीने के बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए क्योंकि मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर। काफ़ी टाइम से वो मुझे बुला रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो ये था मेरा ड्रेस, ये शर्ट मैं न्यू लाई थी खाड़ी से और मैंने इसको पहना नहीं, तो मैंने कहा चलो आज ही पहन लेते हैं, एक मौका है पहनने का तो पहन लेते हैं। और उसके बाद मैंने वहाँ जाकर व्लॉग नहीं किया, मैं रात को लेट आई थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं उसके पास गई थी तो उसने मुझे बैठा ही लिया था, और मैं वहाँ जाकर कोई व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ऑफ कोर्स। और यहाँ पर हो गया था आज सुबह का टाइम, हम लोगों ने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी कपड़ों के लिए, साथ ही मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी क्योंकि आज मैंने सिंपल ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज मैंने कहा अपने लिए सैंडविच बना लेते हैं। रात को हम लोगों ने आलू बनाए थे तो उस आलू और अंडा मिक्स करके मैंने उसके सैंडविच बना लिए। सैंडविच के बाद जो है मैंने साथ साथ बर्तन भी धो रही थी और मैं कपड़े भी धो रही थी और काम भी घर के कर रही थी। सो जी यहाँ पर 5-6 का टाइम हो रहा था और मैं किचन में आ गई थी मैक्रोनीस बनाने के लिए। आज हम लोग के हांडी बनी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा मौसम भी अच्छा है मैक्रोनीस बना लेते हैं, और सिंपल सी मैक्रोनीस बनाई थी, कोई चिकन नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ वेजिटेबल्स वाली मैक्रोनीस बनाई थी। तो यहाँ पर मैं सब कुछ काट कर रख रही थी, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च में सब कुछ काट कर रख रही थी। मैक्रोनीस के लिए स्पाइसी सी बनाई थी तो बस उसी के लिए मैं टमाटर और प्याज सब कुछ काट रही थी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिया था, टमाटर कर लिए थे, उसके बाद मैंने अब ये शिमला मिर्च डाली थी, और फिर इसके बाद मैंने नमक मिर्च डाली, फिर इसके बाद सोया सॉस, गार्लिक सॉस, और फिर एंड में मैंने इसके अंदर केचप डाल दिया था, गार्लिक केचप जो होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनीस डाल दी थी और फिर हमारी स्पाइसी सी मैक्रोनीस रेडी। तो जी यहाँ तक ही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।